महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाचा विषय आणि त्यानिमित्ताने सुरू असलेला हिंसाचार, मनोज जरांगे पाटील यांचं लांबत चाललेलं उपोषण, यातून नक्कीच मार्ग निघणं हा प्रश्न सुटणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। संकुचित मनोवृत्तीने हा प्रश्न सुटणार नाही। या प्रश्नात राजकारण केलं जाऊ नये हा आमचा विषय आहे, आमची भूमिका आहे। जर महाराष्ट्राचं नुकसान होत असेल, महाराष्ट्र पेटवला जात असेल एखाद्या विषयावर, तर सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन यातून मार्ग काढायला हवा। पण दुर्दैवानं या विषयावरची सर्वपक्षीय बैठक महाराष्ट्राच्या घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी बोलवलेली आहे। त्या बैठकीत अनेक ऐरे गैरे नथुलाल बोलवले, ज्यांचा एकही आमदार नाही, ज्यांच्या पक्षाचं अस्तित्वच नाही, त्यांचा एखाद दुसरा आमदार आहे, ज्या संघटनेला पाठबळच नाही, अशा सगळ्यांना आमंत्रित केलं। पण 6 खासदार आणि 16 आमदार असलेल्या शिवसेना ह्या पक्षाला मुख्यमंत्र्यांनी बोलवलं नाही। ही त्यांची संकुचित मनोवृत्ती आणि यातून त्यांचा डरपोकपणा दिसतो आहे। अंबादास दानवेंचं नाव आहे त्याच्यामध्ये नक्कीच, पण अंबादास दानवे यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून बोलवलं आहे, जसं विजय वडेट्टीवारना बोलवलं। राष्ट्रवादी काँग्रेससुद्धा पक्ष फुटलेला आहे, त्यांना आपण बोलवलं आहे। जयंत पाटील आहेत, राजेश टोपे आहेत, त्याच्यामध्ये आहेत ना, अगदी बच्चू कडूपासून जानकर असतील, त्यानंतर सदाभाऊ खोत आहे, किती आमदार आहेत त्यांचे, मला त्यांना बोलवण्याविषयी काही म्हणायचं नाही, सर्वपक्षीय बैठक आहे। पण तुम्ही अगदी हेतुपरस्पर शिवसेनेला वगळता, जो पक्ष कालपर्यंत महाराष्ट्रात सत्तेवर होता आणि आपण गद्दारी केली म्हणजे तो पक्ष फुटला, आणि तुमचा पक्ष खरा आहे का, तुमच्या पक्षावर टांगती तलवार आहे, किंबहुना मुख्यमंत्र्यांनाही बैठक बोलवायचा अधिकारच नाही आहे। 31 डिसेंबर नंतर ते घरी जाणार आहेत काय आमचे, त्यांच्या निर्णयाला कोणी विचारणार नाही, यांच्या निर्णयाला कोर्टात चॅलेंज होऊ शकतं, कारण हे घटनाबाह्य मुख्यमंत्री आहेत, अपात्र ठरणारे मुख्यमंत्री आहेत। पण तुम्ही व्यक्तिगत द्वेष, सूड आणि पोटदुखीतून तुम्ही शिवसेनेला या बैठकीला बोलवलं, आम्हाला काय हरकत नाही, आम्हाला मान पान सन्मान प्रतिष्ठाची गरज नाही, प्रश्न सोडवा, आम्हाला न बोलवता प्रश्न सुटत असेल तरी चालेल, प्रश्न सोडवा, मनोज जरांगे पाटलांचे प्राण वाचवा आणि महाराष्ट्र जळतो आहे तो विझवा, असं राजकारण करू नका। महाराष्ट्रामध्ये इतक्या संकुचित वृत्तीचं राजकारण झालं नव्हतं। जरांगे पाटलांनी आज सांगितलंय, आपण सामनात्मक कुठेतरी वाचला असेल, या राज्याचा एक मुख्यमंत्री हा काडीखोर आहे, एक उपमुख्यमंत्री हा काडीखोर आहे, खरं म्हणजे एक फूल आणि दोन हाफ हेच काडीखोर आहेत सगळे, यांनीच महाराष्ट्र पेटवला, यांना महाराष्ट्र पेटलेला हवा आहे, यांना या राज्यातल्या सगळ्या प्रश्नांवरून लक्ष हटवण्यासाठी हा प्रश्न त्यांनी चिघळत ठेवलेला आहे। आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीला आमच्या शुभेच्छा आहेत, प्रश्न सोडवा, आजच्या बैठकीतून एवढंच मला सांगायचं। देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति आप देख रहे हो, बहुत गंभीर है। मराठा समाज के लोग सड़क पर उतरे हैं, विधायक और मंत्री को रोका जा रहा है, गांव गांव में घुसकर उनके घर जलाए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से उध्वस्त है, मनोज जरांगे पाटिल का अनशन दिनों दिन लंबा खिंचता जा रहा है, उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। हम चाहते हैं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत द्वेष का विषय नहीं है, राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे विषय में जहां महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जहां महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की का समस्या है, वहां कौन सी राजनीति हो सकती है। यहां सभी राजनीतिक दल जो महाराष्ट्र में है एक साथ आकर ये प्रश्न के ऊपर चर्चा होनी चाहिए,
और समस्या का निवारण होना चाहिए, शिवसेना की भूमिका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गैरकानूनी मुख्यमंत्री है, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, वो बैठक में ऐसे अरे गहरे नथुलाल को सभी को बुलाया गया जिसके एक भी विधायक नहीं है, ना एक सांसद है, ना खुद सांसद विधायक है, ना जनता का समर्थन है। ऐसे 20-25 लोग हैं जिनको बुलाया उस बैठक में, क्योंकि जो पार्टी कल तक सत्ता में थी, जिस पार्टी ने महाराष्ट्र को 3-3 मुख्यमंत्री दिए हैं, हाँ, जिस पार्टी के कल तक 20 सांसद थे, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कल तक रहे, आप भी उस पार्टी में रहे मुख्यमंत्री जी, आज भी उस पार्टी के 16 विधायक और 6 सांसद हैं, आप उनको नहीं बुलाते ऐसे महत्वपूर्ण बैठक में, जिनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है समाज में, जिस पार्टी को समाज में समर्थन है, आप उनको नहीं बुला रहे, ये क्या चल रहा है? ये अपना व्यक्तिगत जो द्वेष है वो आप निकाल रहे हो, भड़ास निकाल रहे हो, ऐसी राजनीति नहीं चलती कभी। तो ठीक है, मैं यही कहता हूँ कि मुझे मान सम्मान की जरूरत नहीं है, हमें ये प्रश्न का समस्या निकालो और मनोज जरांगे पाटिल का जो अनशन है उनकी प्राण की रक्षा करो, इतना मैं कहूँगा। बघा, नेट बंद आतापर्यंत आम्ही मणिपूर आणि जम्मू काश्मीरला केलं असं समजत होतो, आजही मणिपूरला इंटरनेट बंद है, जम्मू काश्मीर में बंद है, महाराष्ट्र में बंद हो गया, उसका मतलब है आपके नियंत्रण में कुछ नहीं है, अब लॉ एंड ऑर्डर, लोक रस्त्यावरती उतरलेले। इंटरनेट कधी बंद करता? जेव्हा कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती हाताबाहेर जाते तेव्हा इंटरनेट समाज माध्यम सगळी बंद केली जातात, टेलिफोन सेवा बंद की जाती है, बराबर ना? जम्मू काश्मीर में, जम्मू काश्मीरला आजही आहे ही परिस्थिती, मणिपूरमध्ये आहे, आता ते महाराष्ट्रात आहे। या सरकारनं, या गृहमंत्र्यानं राजीनामा दिला पाहिजे, खरं ताबडतोब 31 डिसेंबर नंतर हे घरी जाते। मेरी माटी मेरा देश, मेरा देश भी जल रहा है और माटी भी जल रही है। जो कलश वहां लाए थे, हाँ, जो एक इवेंट कर दिया उसको, एक बहुत बड़ा इवेंट पॉलिटिकल कर दिया, उसमें से बहुत से कलश ऐसे राज्य से गांव से आए थे जहां गांव गांव में तनाव है, चिंता है, दंगे है, ऐसे बहुत से राज्य है, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, आज कल भी जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ है और एक पुलिस अफसर की हत्या हुई है, आपने देखा होगा, लगातार 7 दिन दर दिन एक अटैक पुलिस के ऊपर हो रहा है, सुरक्षा कर्मी के ऊपर हो रहा है, मणिपुर में पुलिस कर्मी को मारा गया है, महाराष्ट्र में हो रहा है, और हमारे देश के, यहाँ की सरकार तो छोड़ दीजिए, नपुंसक है राज्य की सरकार, गैर कानूनी सरकार है, नपुंसक सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह देश के गृहमंत्री जी है, वो निवडणूक कैंपेन में बिजी है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, मिजोरम जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र जल रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र जल रहा है, उनके ऊपर ध्यान नहीं, ना उसके ऊपर कोई बात करता है। एंटी सोशल एलिमेंट जे आहेत ते जर शिरले असं सरकार म्हणते ही गंभीर बाब आहे, मग सरकार काय करते, गोट्या खेळते का? एंटी सोशल एलिमेंट समाज विघातक शक्ती, अँटी सोशल एलिमेंट खरं म्हणजे सरकारमध्येच बसलेले आहेत, कॅबिनेटमध्ये। अँटी सोशल एलिमेंटला ताकद देण्याचं काम महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटमधले अँटी सोशल एलिमेंट करतायत, भ्रष्ट आणि माफिया प्रवृत्तीचे लोक या सरकारमध्ये बसले आहेत आणि त्यांच्या बाजूला राज्याचे गृहमंत्री बसलेले आहेत। अँटी सोशल एलिमेंट तिथून सुरू झालं आहे, ते सडकेपर्यंत आलेलं आहे। अरे वो फोन टैपिंग छोड़ दे, हमारे तो सब भी फोन टैपिंग है, हम कहाँ उनका इशू करते हैं, लेटर लिखा गया है, अरे छोड़ो, अभी हो ये सरकार इस स्थिति में फोन टैपिंग तो सबके करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा भी फोन टैप हो रहा है ना, मुझे मालूम है ना, जिसने फोन टैपिंग किए थे महाराष्ट्र में उसको डीजी बनाया ये सरकार ने,
उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? जिसके खिलाफ फोन टैपिंग की शिकायत और एफआईआर लॉस्ट थी, जिसके खिलाफ मुकदमा किया था, ये पुलिस अधिकारी रश्मि शुक्ला राजनेताओं के फोन टैप कर रही है, फोन सुन रही है, तो उनको फडणवीस की सरकार ने वापस डीजी बनाया महाराष्ट्र का, सभी उस मुकदमे निकाल दिए, उसके ऊपर से एफआईआर केस पास कर दिए। ये सरकार है तो उनसे क्या उम्मीद करते आप? यहाँ फडणवीस है, वहां मोदी है, सबकी नियत एक जैसी है। सर, कल उद्धव ठाकरे ने कहा जितने भी एमपी हैं, 48 एमपी सब एक साथ इस्तीफा दें और मराठा रिजर्वेशन को लेकर ये नौटंकी चल रही है इस्तीफा देने की। दो एमएलए इस्तीफा दे रहे हैं और दो एमपी इस्तीफा देकर घूम रहे हैं। लीजिए ना, महाराष्ट्र के सभी, ये महाराष्ट्र का विषय है ना, तो एकजुटता दिखाइए। ये राजनीति के ऊपर की बात है, आइए एक साथ, जाइए प्रधानमंत्री के पास, जाइए लोकसभा स्पीकर के पास, यह हमारा इस्तीफा है, चलो। त्यांच्याकडे एक्साइज डिपार्टमेंट आहे, म्हणजे त्यांच्या संबंध दारूशी आहे, दारूशी, एवढंच मी सांगतो। दाखवा कधी बोलवलं आहे त्यांनी, आपण ती मी ट्विट केलेली निमंत्रितांची यादी आपण पाहिली असेल। विधानसभेतील आमचे गटनेते अजय चौधरींना आमंत्रण आलं आहे का? जसं जयंत पाटलांना आलंय, जसं इतर पक्षाच्या गटनेत्यांना आलंय विधानसभेतल्या, आलंय का? यादीमध्ये पहा, अभ्यास करा, नाही तर 31 डिसेंबरला घरी जा। चला, थँक्यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।